सीएम धामी ने इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के बाद मंच से संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य में 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन उससे कई ज्यादा का निवेश जो है वो फिलहाल आ चुका है। वहीं उन्होंने कहा है कि अब तक 44,000 करोड़ रुपए के निवेश का धरातल पर उतार लिया गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपये का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपये का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहां पर होगा। हमारा राज्य एक शानदार होस्ट है। हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों तीर्थयात्रियों का और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला हमारा राज्य लगभग 7 करोड़ लोगों का प्रबंध करता है। इसके बावजूद हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो उच्च कोटि की है। भाइयों बहनों, जितना मैं समझ पाया हूं उसके अनुसार एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबोहवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने विभिन्न सेक्टर्स में निवेश मित्र की नियुक्ति की है, जो 5 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश करने वाले उद्यमों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। उत्तराखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हाथों में है और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट को लेकर आपने पुष्कर सिंह धामी को सुना। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से आप उत्तराखंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश भी कर रहे थे अपने इस भाषण में। इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं चर्चा की ओर। हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़ चुके हैं, प्रदीप के गोयल जो इकोनॉमिस्ट हैं, इसी के साथ साथ सत्येंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जो स्टार्टअप मेंटर हैं। ये दोनों गेस्टों का आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रदीप के गोयल जी से पूछना चाहूंगा, सर जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट रखा गया है, किस तरीके का फायदा उत्तराखंड की जनता को इस इन्वेस्टमेंट समिट से होने वाला है? जिस तरह का ये प्रोग्राम हो रहा है इसमें 44,000 करोड़ रुपया आ चुका है अभी तक और 2.5 लाख करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट्स की उम्मीद की जा रही है। ऐसी व्यवस्था पहले कभी भी नहीं हुई है। अगर ये आजादी से बात कभी भी हुआ होता तो इस तरह का दौर रोज ही चलता रहता। जब इस तरह का इन्वेस्टमेंट आएगा तो निश्चित रूप से प्रदेश का बहुत भला होगा, इसमें कोई कहने की राय नहीं है, निश्चित रूप से भला होगा। इसी के साथ साथ मैं सत्येंद्र सिंह के पास चलना चाहूंगा, आप स्टार्टअप मेंटर हैं और ये जो इन्वेस्टमेंट यहां पर आ रहा है उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक स्टार्टअप सेट करना, एक स्टार्टअप की थीम डिजाइन करना, एक स्टार्टअप का आइडिया क्रिएट करना, इसमें कितनी मदद मिलने वाली है? देखिए, ये बहुत बढ़िया इनका इनिशिएटिव है। उत्तराखंड का जो गवर्नमेंट है और कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखें तो डबल इंजन की सरकार की अक्सर बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके पास सेंटर का पूरी मशीनरी इसके साथ में सपोर्ट करने की है और स्टेट का तो ऑब्वियसली है ही है जी। तो इसमें यह है कि जो 3 यूनियन मिनिस्टर्स यहाँ पर आने वाले हैं और साथ साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे करीबन 15 देशों के लोग भी यहाँ पर आएंगे जो कि वहाँ के एम्बेसडर्स होंगे और हेड्स ऑफ मिशंस होंगे। अब बात ये आ रही है कि इसमें जो कंट्रीज हैं ऑब्वियसली स्पेन, नेपाल, क्यूबा और ये सारी चीजें हैं और इससे पहले इसके जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रोड शोज काफी किए गए हैं और उस रोड शोज में भी काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट आया है। तो बात ये आती है कि जब आप किसी भी राज्य में या कहीं पर भी किसी भी स्पेस में प्लेस में
आप कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस या ये सब चीजें शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ फंडामेंटल चीजों पर ध्यान देना होता है, क्योंकि उत्तराखंड एक बहुत ही अच्छा है, देवभूमि है, वहां पे मैं पर्सनली बहुत सारे स्टार्टअप के साथ काम कर रहा हूँ। वहाँ के मतलब जो इको वो इकोलॉजी है, जो वहाँ पे जो आप कहते हैं कि मौसम नेचर बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत सारी प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ से औषधियों का एक बड़ा अच्छा सेगमेंट निकलता है, फल और उसका बहुत अच्छा सपोर्ट होता है, तो ओवरऑल वहाँ का जो पूरा जो इकोसिस्टम है वो बहुत मजबूत है। अब बस बात ये आ जाती है कि वहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों की पहुँच नहीं हो पाती है, बहुत सारे लोगों का एक्सपोजर नहीं है, या अगर जो जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज वहाँ पे आ सकती हैं, उनको एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे प्रोवाइड करना, तो ये केवल हमें इंडिया के अंदर के ही इन्वेस्टर्स वहाँ पे स्पीक करें ये नहीं किया है, ये अच्छी बात रही है कि आपको इंटरनेशनल डोमेन से भी काफी लोग निकल के आ रहे हैं। सत्येंद्र जी, मैं एक सवाल इसमें ही आपको ऐड करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया मेडिकल इंडस्ट्री का, वहां पर मेडिकल इंडस्ट्री सेटअप होती है, औषधि इंडस्ट्री वहां पर सेटअप होती है, क्या इस औषधि की इंडस्ट्री में कोई यूनिकॉर्न हमें वहां से मिल सकता है? इस इन्वेस्टर जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वहां के युवाओं को कि वो अपने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न में कन्वर्ट कर सकें? देखिए उत्तराखंड में आप ऋषिकेश साइड में निकल जाएंगे तो वहां पे तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगे जो कि पूरा रुड़की के आसपास के इंडस्ट्रियल बेल्ट में है, और मुझे कई सारे एकम और इस तरह की कंपनीज है जो विजिट करने का मौका मिला है। वहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पर्सनली वहां पे गया था, वहां पे कुछ लोगों ने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंटेशन किए हैं और उनका एक पूरा सिस्टम उन्होंने बनाया है जिसके अंतर में जो मेडिकल वेलनेस की बात करते हैं वो एक बड़ा अच्छा सेगमेंट है, जिसमें आप पूरे शरीर के ऊपर काम करते हैं, नेचुरल मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं और बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खत्म करने का दावा करते हैं। तो पतंजलि जैसे बड़े ब्रांड्स तो ऑलरेडी वहां पे एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन इसके साथ साथ में आपका जो पंचकर्मा से लेकर बाकी चीजें हैं वो ऑब्वियसली हमारे पास ट्रेडिशनल सेगमेंट केरला से लेकर सारी जगहों पर वो उपस्थित है, लेकिन वहां का जो एक पूरा सीरीन इन्वायरमेंट है जो वहां पे नेचुरल हर्ब्स आपको मिलकर निकलते हैं वो एक बड़ा अच्छा बन सकता है। अब इसको पहुंचाने के लिए, पकड़ने के लिए क्या होगा कि आपके पास इंडस्ट्रीज वहां पे आएंगी और इन्वेस्टर्स साथ में आएंगे, क्योंकि तो इंडस्ट्री आएगी वो इन्वेस्टमेंट कर देगी, वो बहुत रेयर ही होना चाहिए। इन्वेस्टर्स में होता है, इन्वेस्टर होता है और कोई ना कोई वहां पे स्टार्टअप या यूनिकॉर्न जो की आप बात कर रहे थे वो होता है जी। अब वहां पे उनको सहयोग चाहिए, वहां पे उनको सहूलियतें चाहिए, ये सहूलियतें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे इसी बारे में आज का ये पूरा जी सहूलियतें चाहिए। इसी के साथ साथ मैं प्रदीप जी से अगला सवाल लेना चाहूंगा इसी चीज को लेकर के। पीएम ने अपने संबोधन में कहा था कि कनेक्टिविटी की जरूरत है, एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेटअप करना चाहिए, उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है उत्तराखंड में? अगर आपको जिस तरीके से आप एक बड़ा प्लान देख रहे हैं तो कनेक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट मायने रखती है प्रदीप जी? जब तक रास्ते नहीं होंगे मंजिलें कहां से मिलेंगी, वही वाली बात है। बिना कनेक्टिविटी की, बिना रास्तों के आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। बहुत से लोग दुर्गम रास्तों के अंदर भी वहां जाने के लिए इतने उत्साहित रहते थे कि 15-15 दिन पैदल चल के जाते थे। तो वहां देवभूमि का इतना महत्व तो है कि पब्लिक एट लार्ज पूरी इंडिया की वहां जाना चाहती है। जब दुर्गम स्थितियां थी तब भी लोग जाते थे, अगर सुगम स्थितियां होंगी तो कितने ज्यादा लोग जाएंगे। लोग वहां पे अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं, निछावर करना चाहते हैं, वहां के लिए कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदीप जी, कनेक्टिविटी तो इम्पोर्टेंट है लेकिन कनेक्टिविटी के साथ साथ वहां पर ग्रीन एनवायरमेंटल या फिर ग्रीन डेवलपमेंट को लेकर किस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिल सकती है? क्योंकि अभी हमने फिलहाल देखा था टनल हादसा हुआ, तो वहां की इकोलॉजी जो है, वहां की जो इकोनॉमी है, इसी के साथ साथ वहां का जो नेचर है उसके साथ साथ अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो ही वो राज्य के लिए सही होगा। ये तो बहुत पहले भी कहा है कि वहां पर पहाड़ों पर जाए और वापस आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं व्यवस्था बननी चाहिए कि वहां पर हम पहाड़ों के ऊपर जाके कंस्ट्रक्शन करें। उत्तरांचल के अंदर बहुत से इलाके हैं जो प्लेन के हैं, नीचे के हैं, वहां पे हम लोगों को रहने का और बाकी डेवलपमेंट और फैक्ट्रीज का काम करना है। पहाड़ के ऊपरी हिस्सों में तो सिर्फ जाना है और वापस आ जाना है। अगर ऐसा कुछ टनल सिस्टम और बहुत सारी चीजें बनेंगी, रोपवे बनेंगे, रोडें इस तरह से बनेंगी कि जिससे कि हम कनेक्टिविटी क्रिएट कर ले जाएं हेलीकॉप्टर से, हेलीपैड से, एयरपोर्ट से, तो वो बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ मैं सत्येंद्र जी के पास पहुंचना चाहूंगा। सत्येंद्र जी, आपका क्या रुख है? जिस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक मौका बनने वाला है, एक मौका बनेगा कि वो अपना जो टैलेंट है वो बाहर दिखा सकें, जिस तरीके से रोजगार के भी चांसेस बनेंगे, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो नौजवान रहेंगे उनके लिए क्या फायदा होने वाला है? देखिए, जो यंग माइंड है, जो यंग ब्लड है, उसके अंदर बहुत जोश है, ऑब्वियसली वो अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रहे हैं कि कैसे उनको मिले। और
आज के ट्रेंड में मैंने ये देखा है कि मतलब विगत 5 साल 10 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि जो नौकरी के प्रति जो लोगों का रुझान रहा करता था पहले, वो अब थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। अब लोग स्टार्टअप, छोटे छोटे चीजों को शुरू करना चाह रहे हैं, अपना वो खुद यूनिट शुरू कर रहे हैं, भले वो एक छोटा सा। और उत्तराखंड में तो मैं ये बताऊं कि जब मैं वहां पे गया, वहां पे उनका जो आलू और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सिंपली 40-50 रुपए किलो के भाव में आपको बगान से मिलते हैं। वही दिल्ली में पहुंचने के बाद वो 300-400 रुपए किलो के भाव में हो जाते हैं। कैसे उसका पिकअप करना है, कैसे उसे कच्चे किस हरेपन के साथ निकालना है ताकि वो ओवरनाइट वहां से दिल्ली तक पहुंच जाए, मंडी में पहुंचे गाजीपुर से, और गाजीपुर से ऐसे, तो पूरा सिस्टम ऑलरेडी वहां पे मोटा मोटा तो बना हुआ है, लेकिन वो एक लेवल तक है। अभी हमारा स्कोप क्या है कि हम इससे बियॉन्ड जाने की बात करेंगे। और जैसे अभी अभी बात आ रही है कि सड़कें बन रही हैं, वो भी सड़कें बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी। जब आप किसी भी रूट में आप ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली उस बीच में बहुत सारे आपको चॉइस देने पड़ते हैं, स्टे का फैसिलिटी आपको देना पड़ता है, गाड़ियों में समस्याएं आएंगी तो उसकी गैराजेस बनेंगे, स्टे के पॉइंट बनेंगे, तो ये सारे सेगमेंट तो बनेंगे ही बनेंगे। तो वहाँ के जो लोकल हैं उनके पास में ऑब्वियसली टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, जहाँ के बाहर से लोग जाते हैं और उसके अंदर में जाने के बाद वहाँ की उनकी अर्निंग्स होती है, जिससे वो अपना सस्टेनेंस करते हैं, अपना सर्वाइवल करते हैं। और जो सीरिनिटी है, मैंने वही बता रहा कि मैं जब ये पाताल भुवनेश्वर और ऐसी जगहों पे गया था, वहाँ पे जी कन्वेंस की फैसिलिटीज बहुत कम है, वहाँ पे जब पहुंचने के रास्ते बड़े दुर्गम हो जाते हैं, वहाँ सिंगल सिंगल रूट है। अब तो खैर काफी हद तक चीजें बन गई हैं, जी तो वहां पे जाने के बाद में जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके बहुत सारी थकान, बीमारियां, मैं खुद जी पर्सनली यहाँ यूपी और इस जगहों पे रहता हूँ, पॉल्यूशन से मेरे सर्दी जुकाम इस तरह की बीमारियां, मैं वहां पे जाके कोल्ड टेम्परेचर में रहता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, वापस आता हूँ तो जी कहीं ना कहीं लगता है। तो ये प्रकृति का वहां पे आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद जब हम लोगों को वहां पे लेके जाएंगे कि भाई मेडिटेशन कर लें, आप ये जो करें, तो ये एक पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम बनेगा। और मेडिकल टूरिज्म इंडिया का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसमें गोल्डन ट्राइंगल की हम खासतौर से बात करते हैं, दिल्ली, जी आगरा और जयपुर, गोल्डन ट्राइंगल में घूमना चाहते हैं, तो इंडिया में मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बढ़िया सेगमेंट बना हुआ है। उत्तराखंड इसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर जी वहां पे होगी कैसे? इसीलिए 15 जो इनकी इन्वेस्टमेंट के लिए जो फ्रेंडली पॉलिसीज हैं, गुड गवर्नेंस है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं, उसके लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, क्या है, कैसे हैं, इसी सारी चीजों की कवायद जी यहाँ पे इस समय की जी बहुत। जी सत्येंद्र जी, मैं प्रदीप जी के पास एक अंतिम प्रश्न के लिए आना चाहूंगा। प्रदीप जी, पीएम मोदी ने कहा है कि शादियां पार्टियां जो हैं, जो शादी का रुख हम बाहर करते हैं, बाहर जाकर विदेशों में आजकल शादियों का एक ट्रेंड चालू हो गया है, अगर इन्हीं शादियों का ट्रेंड जो है वो उत्तराखंड जैसे राज्यों को मिले, क्योंकि हरियाली है, ग्रीनरी है, इन जैसे राज्यों में अगर ये शादियों का जो ट्रेंड है ये स्टार्ट हो जाए कि जो अच्छे लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो यहां जाकर शादी करें, बहुत अच्छी इंडस्ट्री जो है वो यहां पर भी सेटअप हो सकती है। हिंदुस्तान का अंदर शादियां बहुत होती हैं और उस पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। अगर वो पैसा विदेशों में ना जाए और देश के और हिस्सों में ना जाके उत्तरांचल में जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी रेजिडेंशियल और बहुत अच्छी इवेंट मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस तैयार करना होगा। जी जी प्रदीप जी, जी सत्येंद्र जी, आपका इस तमाम डिस्कशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बिल्कुल विस्तार से बताया कि किस तरीके से उत्तराखंड में हम लोग ये डेवलपमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से इन निवेशकों के द्वारा उत्तराखंड के लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।